Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. राजनीतिक लोग जो है वास्तविकता हो जाती है तो छा जाते हैं, उनका नाम हो जाया जाता है, इसलिए अच्छाइयों के लिए। 5 साल हो चुके प्रधानों को बने में, 25 दिसंबर को कार्यकाल समाप्ति हो जाएगा। मेरे साथ जो शख्स हैं मुकेश प्रधान जी हसनपुर कला के, उनका एक अपना आप में बहुत बड़ा नाम है, एक गरीबों का एक बहुत बड़ा योगदान है, गरीबों के लिए बहुत कुछ करते हैं, गरीबों के लिए सब कुछ उन्होंने किया है। यहाँ पर आवाज़ बहुत ज़्यादा संख्या में बने, यहाँ पर शौचालय बहुत ज़्यादा संख्या में बने, यहाँ का आप पंचायत घर देखे तो रोज़ आपको अलग मिलेगा, यहाँ की आप सीसी रोड देखिए, यहाँ की आप गलियाँ देखिए किस तरीके से यहाँ पर बनी हुई है। यानी कहने का मेरा मतलब ये है, यहाँ पर हर चीज़ इस तरीके से बनाई गई है कि गाँव कम कस्बा ज़्यादा लगने लगा। मात्र 5 सालों में, कहने का तो 5 सालों के अंदर प्रधानों ने काफ़ी अच्छे अच्छे घर भी बनाए। प्रधान निधि के पैसे से, इस पंचायत के पैसे से पैसा कहाँ चला गया पता नहीं चला, मगर मुकेश प्रधान जी ने लॉकडाउन के अंदर भी एक मिसाल काम की, खुद अपने घर से अपने पर्सनल पैसे से काफ़ी लोगों की सहायता की, काफ़ी लोगों की मदद की, उन गरीब परिवारों को पाला, जिन गरीब पाल खाने के लिए रोटी नहीं थी, ज़्यादा बात करने के लिए खुद आज मेरे साथ मुकेश प्रधान जी, उनसे जान लेते हैं कितना काम अब तक कर चुके हैं। जी प्रधान जी, जैसे कि हम जानते हैं कि आपने गांव को कस्बा बना दिया 5 साल। जब से मैं ग्राम प्रधान बना हूं, जब से हमारे यहां पर जो है शमशान घाट पर भी रास्ते नहीं थे, बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पर अब से पहले पूर्व प्रधानों ने जो आवश्यकता की चीज़ थी वो नहीं हो पाई। जब से मैं प्रधान बना हूं, मैंने हर संभव मृत घाट का भी रास्ता बनवाया, पानी के आरओ वगैरह भी, बस स्टैंड भी, अधिक से अधिक बेंच वगैरह भी, सभी अपने गांव में ई रिक्शा वगैरह भी, मच्छर मारने की मशीन वगैरह भी, सभी अपने गांव में हर संभव सबसे पहले मैंने अपने गांव में काम कराया है। स्वास्थ्य मिशन में हमारा गांव, हम लोग प्रधान, मुझे पुरस्कार भी मिला है, हमने अपने गांव में समय पर सफाई, इस कोरोना महामारी के बुरे वक्त में समय ज़्यादा सफाई पर हमने विशेष ध्यान रखा है, हमने अपने गांव में कई सफाई करने वाले भी लगा रखे हैं, और अब हमारा कार्यकाल बहुत ही जल्द समाप्त होने जा रहा है। हम तो यही चाहेंगे कि आने वाले समय में जो भी प्रधान बने वो हमारे जैसी सोच रखे, हमारे जैसे विकास कराए। आज हमारा गांव कस्बा जैसा लगने लगा है और उन्नति की तरफ है। जय माता। देखिए जिस तरीके से प्रधान जी ने बताया कि आने वाले जो प्रधान यहाँ पर बने, और आईएसएन भी उनसे रिक्वेस्ट करता है, उनसे विनती करता है, निवेदन करता है कि आप उन जैसा काम करवाएं जिस तरीके से हमारे प्रधान जी ने करवाया। मुकेश प्रधान जी की कार्य सराहनीय कार्य है, और इस सराहनीय कार्य के लिए उन्हें पुरस्कार भी उन्हें मिले हैं। और अब प्रधान जी का ये कहना है जिस तरीके से मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा है, और प्रधान जी सबका आभार व्यक्त करते हैं जिन लोगों ने 5 साल के लिए और आपको दिखाते हैं कि पूरा हसनपुर कला किस तरीके से सजाया गया, किस तरीके से हसनपुर को बदला गया, पहले क्या था अब क्या है, आफ्टर बिफोर आप देखें किस तरीके से यहाँ का पंचायत घर कितनी खूबसूरती से बनाया गया है, कितना खूबसूरत पंचायत घर है बाकायदा। इसके अंदर यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर टाइल्स लगी हुई है, यहाँ पर पत्थर लगा हुआ है बाकायदा। यहाँ पर आपको कूड़ा घर की मशीन भी मिलेगी, ई रिक्शा कूड़ा घर वाली जो मशीन होती है आपको यहाँ पर देखने को वही मिलेगी। अक्सर ही गाँवों में चीज़ें हमें नज़र नहीं आया करती, मगर आप देखें हसनपुर कला को पूरा बदल दिया गया है 5 सालों के अंदर। 5 साल पहले इसकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी, मगर आप 5 साल बाद जो है हालत पूरी तरीके से बदल दी गई है पूरा हसनपुर कला के अंदर। जहाँ भी आप जाएंगे आपको हर चीज़ अच्छी मिलेगी। कुछ लोग यहाँ पर मेरे साथ में हैं, उनसे जाने किस तरीके का काम प्रधान जी ने 5 सालों में करवाए। जी बाबू जी, नाम क्या आपका? भावर सिंह। भावर सिंह, किस तरीके से काम हुआ प्रधान जी के? हाँ जी प्रधान, वही हम तो यहाँ बीमार पड़े रहे, मजदूर आदमी है, पता तो होगा ये बता दें। काम बढ़िया हुआ 5 साल में, बहुत बढ़िया काम हुआ, सब लाइट 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 वगैरह साफ सफाई, नाले वाले सब सफाई, जो भी काम हुआ मंदिर के सब बढ़िया, सराहनीय काम है सब। हाँ ये बढ़िया काम है जो इन्होंने बताया, सही है वो जी। हाँ जी, साथी गरीबों के लिए भी, हाँ हाँ, मकान बने हैं, नाले सफाई वगैरह वगैरह लाइट भी लगी हैं, और तुम्हारी और सीट लगी हैं बैठने के लिए,
और वगैरह वगैरह वो काम करवाए हैं। हाँ जी, आप देखें कि यहाँ की जनता इस बात को मानती है, जनता खुद कहती है इस बात को कि यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा है। यहाँ पर बैठने के लिए बाहर बेंचें लगाई गई हैं, लाइटें लगाई गई हैं खंभों पर, LED लाइटें। और आप देखें यहाँ के सबसे अच्छी चीज़ जो है यहाँ पर गाँव के अंदर जो रास्ते अच्छे नहीं होते, यहाँ पर मेन चीज़ रास्ते यहाँ पर बनाए गए हैं। और काफ़ी हद तक जो है आप देखें हसनपुर कला आपको किसी कस्बे से